अरे ग्रैंडपा का सहरा सुहाना लगता है, अरे पगली विलन का दिल दीवाना लगता है। ऐसे बटो की ऐसे की तैसी बड़े आई मेरे को पगली कहने वाला। तो हेलो डीएचएन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो गाइस सब लोग रेडी हो जाओ क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं इविलन की दिल वाले दुल्हनिया मोड। सबसे पहले मेरा गाना कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट करके बताओ। और हाँ गाइस, आज काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है क्योंकि इस वाले मोड में ना इविलन ने रेड रेड ड्रेस पहना है यार, एकदम फुल टू दुल्हनिया लग रही है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है यार। ये बातें बता क्यों रहो, चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं। तो ठीक है यार, मैंने इसको हार्ड मोड पे सेट कर लिया। ओके गाइस, तो अभी डे वन शुरू हो चुका है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अबे यार ये बिल्कुल ही सुधरने वाली, फिर से बोर्ड पे मेरे को होमवर्क दे दी। और ये शादी के लिए कितना मस्त घर सजाया गाइस, मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा गाइस। अभी ना आप लोग कमेंट करके बताओ। तो ठीक है आज मेरे को यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा और ये विलन और ग्रैंडपा की शादी होने से रोकना है मुझे। अच्छा, बट यार जितना बोलने में ऐसा लग रहा ना उतना आसान नहीं होने वाला। और रुको भाई, मैंने तो आपको पूरा घर तो दिखा दिया बट यार मैंने तो आपको दुल्हनिया से मिलाया ही नहीं। तो ठीक है यार, अभी मैं यहाँ पे सोर करके पगली विलन को बुलाने वाला हूँ। पगली विलन इविलन, पगली विलन इविलन। यार मैंने यहाँ पे काफी शोर कर दिया पर पता नहीं यार ये आ क्यों नहीं रही है। ओ पगली विलन आ जा, चलक दिखला जा। बड़े यार मेरे को पगली विलन बोलने वाला। अबे यार मैं तो भूल ही गया था कि ये हार्ड मोड है। और ये देखो भाई, ये विलन कितना तेज से भाग रही है। मेरा नाक फूटा, हड्डी टूटा। अरे आंटी अभी मेरे से पंगा लेना और महंगा पड़ेगा। फंस गए ना फिर तू। अबे यार मेरे को डर लगा कहीं ये बेड पे ना चढ़ जाए। और हाँ थोड़ा सा आंटी का मेकअप भी कर देते हैं। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। शादी कर ले बुढ़िया और क्या। देश में मेरे को शर्म आ रही है। पता नहीं यार ये मेरे से क्यों शर्म आ रही है। ए कहीं ये मेरे बारे में नहीं सोच रही है। शादी कर मुझे सिर्फ देसी बिटवा से। पर मैं तेरे शादी नहीं करेंगे रे बाबा। देसी बिटवा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो चली ग्रैंड पर शादी करने। तो ठीक है रिविलन यहाँ से जा चुकी है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ से भी स्केप कर सकते हैं। बड़े यार स्केप कर ले। अबे भाई ये तो यहीं पे कैंपिंग कर रही है। देसी बिटवा तो मेरी रजो यहाँ से भाग नहीं सकता। ए चुड़ैल चल निकल यहाँ से, बड़ा ही मेरे को मार ले। इन्नी पिन्नी पू, आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा तू। पता नहीं ये कौन सी मंत्र मार के चली गई। और ये देखो गाइस इविलन यहाँ से जा रही है। तो ठीक है यार आज ना हम लोग इविलन का पीछा करने वाले हैं। अबे यार इसने तो फिर से देख लिया मेरे को। अबे अबे चढ़ जा। ओके गाइस नीचे आ जा देसी बिटवा। माना कि गाइस मैं थोड़ा बहुत नुबड़ा हूँ बट गाइस मैं इतना बड़ा कदम नहीं कि इविलन के पास नीचे चला जाऊँ। अभी तेरे मुंह में पास देगा, चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मजा उड़ा कहीं का। और ये लो भाई मैंने इसको ड्रॉप करके वापिस शोर कर दिया। देसी बिटवा मैं वापिस से आ गई। हाँ तो अभी प्लीज अभी वापिस से चली भी जा बुढ़िया। हाँ हाँ जा रही हूँ, मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो ठीक है यार इविलन अभी वापिस जा रही है। और हाँ भाई अभी ना मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और आंटी भी 100-200 ले लियो पर पीछे मत मुड़ियो। और पता नहीं यार मैं डर के मारे कहाँ पे घुसा जा रहा हूँ। तो ओके गाइस, तो यहाँ का सारा गेट को भी लगा देते हैं ताकि ये विलन आंटी यहाँ पर ना आ पाए। और फिलहाल मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा क्योंकि ये विलन आंटी ना बहुत ज्यादा ही तेज है क्योंकि यार ये हल्का सा शोर करने पे भी आ जाती है। तो जल्दी से गेट को लगा देते हैं एंड अभी ना मैं इलेक्ट्रिसिटी को कम्प्लीट करना पड़ेगा जिससे ना गाइस हम लोग यहाँ के सारे गेट को ओपन कर पाएंगे। बट गाइस उसके लिए मेरे को भी स्मॉल केबल ढूंढना पड़ेगा। ओके ठीक है यार, तो मेरे को यहाँ पे स्मॉल केबल तो नहीं, मुझे यहाँ से झाड़ू जरूर मिल गया है। आई थिंक ये झाड़ू भी डोर स्केप में काम आने वाला है क्योंकि मैं सब कुछ भूल गया रे बाबा। क्योंकि ना गाइस ये गेम मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ। तो ठीक है यार मेरे को यहाँ पे येलो की भी मिल चुकी है एंड यहीं पे क्रोवर भी पड़ा है। लेकिन गाइस मेरे को ना भी स्मॉल केबल चाहिए होगा और जितना कि मुझे मालूम है गाइस कि स्मॉल केबल भी हमें यहीं किचन से मिलने वाला है बट यार मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ पे पड़ा है। और ये देखो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फालतू चीजें ही मिली जा रही है जो कि यार हमारे डोर स्केप में काम ही नहीं आने वाला। और वेट भाई मुझे लग रहा है इविलन यहीं कहीं पे घूम रही है क्योंकि ना गाइस मुझे इसका फूड स्टेप आ रहा है। और अभी इससे पहले कि वो यहाँ पे आ जाए हमें अभी जल्दी से स्मॉल केबल को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे तो येलो की रखी है जो ओक वेट, ये पड़ी रही ना गाइस स्मॉल केबल। यार मैं भी ना तो कब से ढूंढने जा रहा हूँ। तो ठीक है यार अभी जल्दी से इसको यहाँ पे लगाते हैं। और ये लो गाइस, तो फाइनली अभी पूरे स्कूल पे इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और अभी ना हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। बट अभी ना नीचे जाने से पहले हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे शोर कर लेते हैं ताकि ये शोर सुनकर विलन आंटी यहाँ पे आ जाए। और फिर क्या गाइस हम लोग यहाँ से निकल लेंगे रे बाबा।
रहा है यहाँ से भागने वाला। भाई चुलाल यहाँ पे आ गई, अभी भाग 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 भाग। और वेट यार, ये मेरे को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दी, तो इसलिए अभी बदला लेने का टाइम आ चुका है गाइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी बस यार वो मेरे को आंटी मिल जाए, उसके बाद क्या गाइस, उसके बाद मैं उसका पिछवाड़ा चला देगा। अरे बाबा ये बड़ी अच्छी बात कही यार, इधर पे कोई तो है मेरे पिछू चला। आंटी दूर ना मेरे से। हाय मोरे मुझे चला डाल रे, हाय मोरे मुझे पिछवाड़ा बचाओ रे। भाई थी मेरे से पंगा लेने। तो ठीक है यार, मेरे को यहाँ से जल्दी से भी निकलना पड़ेगा। और वेट, मुझे लग रहा है विलन यहाँ पे कैंपिंग कर रही है। अरे यार ये तो सिर्फ आग लगा पड़ा है यहाँ पे, मैं भी ना भाई एक नंबर का डरपोक ही हूँ, छूट मुट एक छोटे से आग से डर गया। तो ठीक है यार अभी जल्दी से इस वाले डोर को ओपन कर लेते हैं। और भाई साहब यहाँ पे काफी शोर हो गया गाइस, इसका मतलब कि पक्का आंटी यहाँ पर आएगी। आएगी नहीं, आ गई दिस बिटवा। अरे यार भाग 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 भाग। ओके ओके ओके, यहीं पर क्या भी आती हूँ। तो ठीक है यार फिलहाल हम लोग यहाँ पे छिप जाते हैं। और प्लीज यार अभी इसके अंदर मत आइयो, फिलहाल तो मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है। ये देख बेटो गया तो गया किधर। ओके गाइस शायद ये विलन आंटी मेरे को देखी ही नहीं। यार ये तो काफी अच्छी बात है, मैं तो चली पॉटी करने। ये तो काफी अच्छी बात है गाइस, आंटी को पॉटी लग गया। तो जब तक आंटी पॉटी कर रही तब तक हम लोग यहाँ से ऐसे तैसी। अरे नहीं भाई ये वापिस से मेरे को देख ली। खैर कोई बात नहीं गाइस, चीज को मेरे को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, जैसे आंटी इधर आ गई मैं इधर टाप के चला। अबे अबे भाई जल्दी जल्दी टाप लिया भाई। भाई तुमने भी जल्दी नहीं टापना था। तो ठीक है यार फिलहाल आंटी बाहर से गई है। तो तेरे को मैं नहीं छोड़ेगी देसी बिटवा। अरे भाई साहब मैंने बहुत ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी, मैं तो गया भाई। ये लड़का फिर से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। ओके भाई बाल बाल बच गया मैं तो। यार मुझे लगा था कि विलन ने मेरे को देख लिया, लेकिन यार मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ओके गाइस तभी जल्दी से टिफिन बॉक्स को नीचे उतार लेते हैं। और आई थिंक मुझे इस वाले टेबल पे चढ़ना है। और ये देख लो भाई अभी तो ये वाला आंटी भी ऊपर की ओर इशारा कर रही है। तो ठीक है यार अभी हम लोग जल्दी से टिफिन बॉक्स को उतार लेते हैं। और ये लो गाइस, तो फाइनली हमें टिफिन बॉक्स भी मिल चुकी है। अभी बस हमें इसके अंदर से चाबी को बाहर निकालना पड़ेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बट उससे पहले गाइस हम लोग ये देख लेते कि आंटी अभी कहाँ पर है। ये हार्ड मोड ना काफी ज्यादा ही हार्ड है, और क्योंकि मेरे को भी बेफिजूल का नहीं मरना रे बाबा। और मेरे को ना अभी इधर जाने से डर भी लग रहा, क्योंकि ये विलन आंटी ना यहाँ पे कभी कभी कैंपिंग करती है। ओके तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो जल्दी से इसको नीचे की ओर ड्रॉप कर देते हैं। और ये लो भाई, तो फाइनली बॉक्स ओपन हो चुका है। और यहाँ पे तो ट्रैम्पोलिन भी है गाइस। फिलहाल ट्रैम्पोलिन को छोड़ो गाइस, क्योंकि मेरे को चाबी चाहिए अभी। मेरी चाबी को हाथ भी मत लगाना, आंटी ट्रैम्पोलिन पे खेलेंगे उछला उछली। भागते किधर है, तेरे में खोपड़ा खोल दूंगी। अबे यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। और ये तो हद है भाई, मैं तो खेलने के लिए बोला था, उल्टा मेरे को खिलौना बनाते गिरे बाबा। अरे रुक जा तू, भाग किधर रहा है। अरे भाई मेरे को तो खिलौना बिल्कुल नहीं बनना है। तो ठीक है यार फिलहाल चाबी यहीं पे पड़ी है, तो जल्दी से चाबी को उठाओ और भागो। और वेट, आंटी गई तो गई कहाँ गई। आंटी हो गई तेरी माम, मेरे को बड़ा आया आंटी बोलने वाला। अबे ये तो बड़ा हद है, आंटी को आंटी नहीं तो क्या घंटी बोलू। अब मित्र घंटी बजाती हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। अरे देख मिनट रुक जा। तो बाय बाय विलन आंटी। तो अभी फाइनली गाइस हम लोगों ने विलन का हार्ड मोड पर भी मेन गेट एस्केप कर लिया है। तो अभी क्या गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और टल्ली वाला बटन दबाना बिल्कुल भूल ना रे बाबा। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।